देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर, शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। हर साल हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते, तो वुमेन्स डे ये WHO की तरफ से है, इंटरनेशनली मनाया जाता 8 मार्च को। अब हम हमारे पास अक्सर कुछ दिन पहले हम मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन लेते, जिसमें डिबेट कॉम्पिटिशन लेते, ड्राइंग कॉम्पिटिशन लेते और उसके बाद एलोकेशन कॉम्पिटिशन लेते। इसमें मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूल के तलबा शरीक करते और उसके फिर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनाम भी देते। तो इस टाइम भी हमने 3 ये एक्टिविटीज लिए, जिसमें कॉलेजेस, अब मैं हर एक कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा आपको, और जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनका आज 2 तारीख को हम ये फंक्शन रखे, जिसमें यहाँ पे चीफ गेस्ट ये मैडम डडा है और उसमें फिर ये उनको हम इनामात भी देने वाले हैं। इसमें जो थीम है एक्चुअली इस साल का थीम है खवातीन को क्या करना है, उनके कैपेसिटीज पोटेंशियल्स एक्सप्लोर करना है ताकि हम प्रोग्रेस कर सकें। अब हमारे पास जो कंसेप्ट चलता आ रहा है, मर्द औरत इक्वल, बराबर है। अब मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें वाजे करना चाहूँगा। ये इक्वलिटी के कंसेप्ट की वजह से बहुत सारे फैमिलीज में झगड़े बढ़ रहे हैं, बहुत सारे डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। तो इक्वलिटी कहने है ये हमको समझना ज़रूरी है। इक्वलिटी इंसान यानी इक्वल है, कोई इंसान बड़ा है ना छोटा है। अब औरत और मर्द ये भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान के हैसियत से दोनों बराबर है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, हर एक की अहमियत अपनी जगह। अब जहाँ तक मर्द औरत का ताल्लुक अज़्वाजी ज़िंदगी में होता है, मैं उसको कहता हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझे, पूरक। मर्द के बगैर औरत का फंक्शन पूरा नहीं होता और औरत के बगैर मर्द का फंक्शन पूरा होता। जैसे कि मिसाल दूंगा आपको, ये जो लाइट है उसको प्लस माइनस है, ये दोनों मिलकर रोशनी देंगे, एक ही लगा के बैठेंगे तो नहीं होने वाली। तो वैसी है इसको हम, उनके जो सलाहियतें हैं उनकी सलाहियतें भी अपनी जगह है, मर्द की भी सलाहियतें अपनी जगह है। अगर दोनों में भी और गौर करेंगे तो दो मर्द एक जैसे नहीं होंगे, दो मर्द की सलाहियत एक जैसी नहीं, वैसी दो औरतों की सलाहियतें एक जैसी नहीं। तो यहाँ फ़र्क है सलाहियतों में और हर एक शख्स और औरत अपनी जगह यूनिक मुनफरिद है, तो हमको उस पर भी तवज्जो देना ज़रूरत है। हम उसके जो शख्स है या औरत है उसकी सलाहियत और उसकी शख्सियत के हिसाब से अगर हम उसको उभारेंगे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। अभी हमारे पास हो रहा है क्या, इक्वल के नाम पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक मोटी मिसाल दे देता हूँ। आप सब बैठे हुए, अब आपको इक्वल यानी आपको एक हमने ड्रेस बना दिए 45 नंबर का, सबको दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको क्या होगा, किसको बड़ा होगा, किसको छोटा होगा, किसको फिट होगा, किसको बराबर होगा। जो बड़ा होगा वो बोलेगा मेरे को लंबा हो रहा, मेरे पे ना इंसाफी है, छोटा हो रहा वाला हो रहा मेरे पे ना इंसाफी है, तंग हो रहा बोलेगा ना इंसाफी है, जिसको बराबर आएगा बोलेगा ठीक है। आपको दूसरे और एक मोटी मिसाल देता हूँ, तो यहाँ हम इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इक्विटी। इक्विटी यानी जिसको जो जरूरत है उतने हिसाब से आप फिट करेंगे तो सही होगा। तो अभी शर्ट के बारे में मैं आपको कहूँगा, हर एक को रेडीमेड शर्ट देने के बजाय टेलर मेड शर्ट देना चाहिए। तो टेलर की शिटिंग आएंगी तो आपकी क्या आएंगी, फिट होंगी ना आपको, तो टेलर मेड सिस्टम में टेलर मेड होना चाहिए। और दूसरा जो मैं पॉइंट एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि इक्विटी का, तो इक्विटी में अब आप 1 2 3 4 10 लोगों को मैं फिर सवाल करूँगा, आपको भूख लगती है रोज, कितने रोटियां खाते हैं आप, चपाती, आप बोलेंगे 3, आप बोलेंगे 4, आप बोलेंगे 2, आप बोलेंगे 1, कोई बोलेगा 5, बराबर है, मेरे पास सब बोलने वाले और तय हो जाता है इक्वल, सबको 2-2 चपाती देने वाले, सबको 2-2 चपाती दे। तो 3 वाला बोलेगा मेरे पे ना इंसाफी, 5 वाला बोलेगा मेरे पे ना इंसाफी, 1 वाला ज्यादा थी, बात समझ में आ। तो यहाँ भी इक्विटी का मतलब यह है, तो सबको जितनी जरूरत है वो देना। अगर हम निज़ाम में ये बात जहन में डालें, इक्वल कितने इक्वल है, इंसान कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, वहाँ इक्वल, मर्द औरत में भी वो कोई फर्क नहीं है, वो इक्वल है उस लिहाज से, बट सलाहियतों के हिसाब से जिसमें जो सलाहियतें हैं उसको उभारना, और उसको अगर हम पूरे तौर पर उभारेंगे और वो शख्सियत पूरी तरह पर डेवलप होंगी तो हम उनसे प्रोग्रेस के लिए भी ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। नहीं तो ये इक्वलिटी में जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ
वहाँ झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, ड्राइवर से बढ़ते जा रहे हैं, और आप उसको इक्वल और इक्विटेबल अगर इक्वेशन लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये झगड़े कम होंगे और इसमें लोगों को भी फायदा होगा और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस किस्म की जहन रुझान बनना भी बहुत ज़रूरी है। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि औरत जो काम करे वो मर्द करे, मर्द करा औरत करे, ये इक्वलिटी नहीं है। जिसमें जो सलाहियत है वो काम को उभारना, ये आप जहन में रखो, और जब तक ये नहीं करेंगे तो निज़ाम में अमन सुकून नहीं आ सकता। मेरे पास पेशेंट तो हर किस्म के आते हैं। अब मैं 44 साल में हर तबके का, हर मजहब का, हर जमात का, हर कैटेगरी का पेशेंट देखा हूँ। अब उसमें मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास लीडर भी पेशेंट है, मिनिस्टर भी पेशेंट रहे, उसके बाद आपके बाद वकला भी रहे, जजेस भी रहे, डॉक्टर्स भी रहे, इंजीनियर्स भी रहे, आर्किटेक्ट भी रहे, प्रोफेसर भी रहे, स्टूडेंट्स भी रहे, और अभी भी उसमें डॉक्टर साहब आपकी प्रैक्टिस कहाँ से हुई, इंदौर से हुई या बाहर से? देखिए मेरी प्रैक्टिस है ना, तालीम कहाँ से शुरू? देखिए साइकेट्री का जो तालीम था, मैं जिस जमाने में आया यहाँ औरंगाबाद में तो उसकी तालीम थी नहीं, तो मैं निमाज बेंगलोर से जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं 3 साल तक अम्बा जोगेवाड़ी कॉलेज में लेक्चर रहा, उसके बाद यहाँ मेरी प्रैक्टिस शुरू किया मैंने बीएससी से, और उसके बाद प्रैक्टिस हमारी माशाल्लाह बढ़ती गई, और बीच में कुछ साल तक मैं एमजीएम में ये भी रहा अंडर एसोसिएट प्रोफेसर। हमारे पास भी हमने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए साइकेट्री के, डीएनबी का कोर्स, अभी भी हमारे पास स्टूडेंट्स हर किस्म से महाराष्ट्र में से हर जगह से आते, जो कि नर्सिंग के है, साइकोलॉजी के है, सोशल वर्क के है, और बीए के है, मुख्तलिफ शोबों से ट्रेनिंग के लिए आते रहते, और ये साल भर एक्टिविटीज हमारे पास वैसे भी चालू रहती है एजुकेटर। और अब इसमें हमारा लड़का वो भी इसने एमडी सेक्रेटरी में किया, हमारी लड़की ने भी सेक्रेटरी में एमडी की, सना खादरी खिल जी और मेरा खादरी, और हमारी दूसरी लड़की है उसने एमबीए की, और वो भी स्कूल में काम करी, स्कूल देख रही, वहाँ भी हम स्कूल मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे। तो हम हर जगह मेंटल हेल्थ के प्रमोशन के लिए एक्टिविटी ले रहे। अब हमारे पास यहाँ ज़्यादा एक्यूट इमरजेंसी के हैं, हमारी लड़की सना खादरी वो कुछ दिन में इंशाल्लाह वुमेंस हॉस्पिटल साइकेट्रिक नर्सिंग का अलग से शुरू होगा, और स्कूल मेंटल हेल्थ का विंग भी है जो हमारे साथ इसमें चालू है। तो हर स्कूल में, क्योंकि आजकल ये कंपलसरी हो गया स्कूल में, बच्चों की भी तालीम के लिए लड़के लड़कियाँ ये साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सलाहियतों को समझना, परखना और उस हिसाब से उनका टैबेस करना, ये उसका मकसद है। सब देखने में ये आता है कि जो गरीब जनता जो रहती है, गरीब आवाम जो रहती है, थोड़ा भी अगर जहनी तनाव रहा तो वो किसी झाड़पों वाले बाबा के पास जाते हैं, तो क्या ये बाबाओं के पास जाना सही है या उनका इलाज सही होता है? लेकिन आप एक बात बताता हूँ, ये झाड़पों बाबा, इस पर मेरा मुस्तकिल वर्क है, इस पर मैंने किताब भी लिखी, जिन जादू या नफ्सियात या अमराज कुरान हदीस के रोशनी में, और जितनी भी आदमी देखिए, मगर इसका असर काफ़ी हुआ, मैं बोलता हूँ इसका इंडिया में भी हुआ, बाहर भी हुआ, कि ये बाबा लोग जो पहले बताते थे इसने कर दिया, उसने कर दिया, सास ने कर दिया, बहू ने कर दी, रिश्तेदार ने कर दी, ये नामा लेना कम कर दिया उन लोगों ने, मगर अभी भी उनका फूकना वगैरह के जो तरीके थे उसमें भी काफ़ी चेंज आया, मगर अभी भी लोगों का जो अकीदा है अपने पास उसकी सबसे बड़ी वजह है। अब वो कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, ईसाई हो, वो अपने मजहब की किताब पढ़ते ना समझते, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर वो गीता समझ के पढ़ेंगे, कुरान समझ के पढ़ेंगे, बाबा समझ के पढ़ेंगे, तो बाबा लोगों के पास जाना बंद हो जाएगा, लेकिन वो समझ के पढ़ते ना, वो समझ के पढ़ाने की तरकीब करते। तो मेरा आज के दौर में भी ये इम्फसिस रहेगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, जो भी मजहब तो मानने वाला है, वो कोई भी हो या ना मानने वाला हो, वो अपने मजहब के स्पिरिचुअल और मजहब की किताबों को समझ के पढ़े और उसके बाद उस पर बात करें, बगैर समझे बात करने वाले होते हैं, और समझ के पढ़ने को, और वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा जहन नहीं बना है, हमारा जहन दूसरे चीज़ों में ज़्यादा भटक रहा है, इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं। एक्चुअली दिस इज प्रोग्रेस कि आज हम इतने ओपन फोरम में वे टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस ऑफ वुमेन, इट इज बीइंग एक्नॉलेज्ड दैट वी नीड सपोर्ट लाइक एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, वी आर ऑल्सो नॉट सुपर बींग्स एंड वी ऑल्सो नीड हेल्प एंड सपोर्ट। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आज हम ये डिस्कस करें, आई थिंक दैट इज वन स्टेप टूवर्ड्स प्रोग्रेस इटसेल्फ। जनरली वुमेन को हम मास्टर सुपर हीरो समझते हैं कि ये सारी फील्ड्स में एक्सेल कर लेंगे, वेदर इट्स द फैमिली, वेदर इट्स द ओन वर्क, वेदर इट्स सोसाइटी,
इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रेन द एल्डर्स इन द हाउस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लेडी हर एक स्फीयर में एक्सेल कर सकती है, घर में खाना बनाना, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना, बच्चों को रेज करना. बच्चों को एक टॉपिक अलग लेंगे तो फ्रॉम मैनेजिंग देयर क्लोथ्स, फूड, मेडिसिन, रूटीन, ये कि वो क्लास पहुंच जाए, क्लास से घर आ जाए, उतने ही कोऑर्डिनेशन में आई थिंक मोस्ट मदर्स का टाइम चला जाता है. उसके बीच में दे हैव टू मैनेज देयर ओन प्रोफेशनल लाइफ, होम लाइफ, सोसाइटी. देयर इज टू मच प्रेशर एंड नोबडी एक्नॉलेजेस इट. मेरा नाम तान्या नारंग है और आज मैं औरंगाबाद में हूँ, जो कि जाना जाता है अजंता इनक्लेव के लिए, इलोरा केव्स के लिए, बीबी की मकबरा के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए. एंड आप देख रहे हैं औरंगाबाद तक, जो कि बहुत ही तेज चैनल है, फटाफट से औरंगाबाद की सारी खबरें देता है और हमें सिल्वर बटन भी मिला है, मैंने सुना है. तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट औरंगाबाद तक, और देखते रहिए ये चैनल, फटाफट से आपको खबरें मिलती रहेंगी. थैंक यू. औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है. उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे. शुक्रिया.